स्टोक्स ने भारत को हराने की इच्छा जाहिर किया है। बेन स्टोक्स ने कहा है कि वो टीम इंडिया को टी20 सीरीज में हराना चाहते हैं और इसके बाद वनडे सीरीज में भी। भारत को भारत में हराने की उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता है, पर विश्व की नंबर वन टीम के बेस्ट ऑलराउंडर का लक्ष्य है कि भारत को टी20 सीरीज में मात दूं और इसके बाद वनडे सीरीज में भी। चौथे टी20 मैच में मिली हार के बाद बेन स्टोक्स मीडिया से मुखातिब हुए थे और इसके बाद उन्होंने सवाल जवाब के दौरान कहा कि अगले मैच में भारत को हराकर सीरीज अपने नाम करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बहुत ही शानदार ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है वन क्रिक। दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे ऐसे गेम्स हैं जिसपे आप पैसे लगा के जीत सकते हैं, जैसे कि कसिनो हो गया, लॉटरी हो गया। सिर्फ इसमें आपको नॉर्मली रजिस्टर करना है और दोस्तों, जैसे आप रजिस्टर होते हैं आपको 100 से लेकर 1000 का बोनस भी मिल जाएगा। और दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्स को इस ऐप के लिए रिफ़र भी कर सकते हैं और दोस्तों, आपका फ्रेंड भी अगर किसी को रिफ़र करेगा उसके पैसे भी आपको मिलेंगे, यानी कि एक चेन की तरह आपको रिफ़र अमाउंट मिलता रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे विड्रॉ करना भी काफी आसान है, सीधे पैसे आपके बैंक में आसानी से आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। बेन स्टोक्स ने कहा, जो भी ये मैच जीतेगा सीरीज उसके नाम होगी, इसलिए आप जानते हैं कि एक टीम के रूप में ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, विशेषकर जब टी20 विश्व कप ज्यादा दूर नहीं है। हम दबाव की परिस्थितियों में जितना अधिक खेलेंगे हमें उससे उतना ही फायदा होगा। हमारी टीम जितना अधिक दबाव झेलेगी उसका उतना ही लाभ हमें विश्व कप में देखने को मिलेगा, क्योंकि विश्व कप में हर मुकाबला बेहद ही अहम होता है। आपको बता दें, बेन स्टोक्स ने 43 गेंदों में 46 रन बनाकर इंग्लैंड को जीत के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने उन्हें और कप्तान मॉर्गन को लगातार गेंदों पर आउट करके भारत को मैच में वापसी दिलाई। स्टोक्स ने इस पर कहा, हमारे किसी बल्लेबाज को आखिर तक टिके रहना चाहिए था। निचले क्रम के बल्लेबाजों पर अधिक रन बनाने का जिम्मा छोड़ना अच्छी स्थिति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में मध्यक्रम के हमारे किसी बल्लेबाज को आखिर तक टिक कर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाना चाहिए था।